दीदी दीदी अभी तक आई क्यों नहीं है? नहीं आई तो आज तो मेरा खात्मा हो ही जाएगा। हेलो बुढ़िया, ऐसे बूढ़े लटकान क्यों बैठी है? सौरभ वाला आता है इसमें धनपाल वाला। माँ माँ तू तो समझ मेरी बात, मैं तो अभी 15 वर्ष की हूँ ना। सूर्या वर्ष से बड़ी नहीं हो वे, मिनट और सेकंड से बड़ी हो वे। मुझे भी तेरे बापूजी अन्य उम्र में लेना आया था, पर वो वक्त अलग था और ये वक्त अलग है माँ। छोयो वक्त ना कभी बदलियो ना कभी बदलेला। राष्ट्रभक्तों की जय हो। मैं अभी तक पढ़ना चाहती हूँ, उसका क्या माँ? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, उसका क्या माँ? एक छोरी के करेगी पढ़ लिख कर। मैं तो अभी 15 वर्ष की हूँ और दोगुना बड़ा है और वो शराब भी करता है और नशा भी है। अब तू सिखावेगी कि मर्दों को क्या करना है और क्या ना। छोरिया सिर्फ रसोड़े में सोवे और घर के बर्तन ही धोवे। और एक बात और छोरी, तू अपनी आवाज अपनी माँ के पल्लू में छुपा कर रख। बाल विवाह के नाटक की प्रस्तुति देने जा रही है और जो मैरून कलर में बच्ची खड़ी है उसका विवाह होने जा रहा है और ये विवाह करना नहीं चाहती है क्योंकि ये अभी बहुत छोटी है, मात्र 15 वर्ष की आयु है और उसके माँ बाप उसकी शादी करवा रहे हैं। आगे क्या होता है देखिए। अपने जलेबी मुट्ठी में सड़ाते हो वे वही जी डोकड़ा गड़ा, आज तो होगा सोना रे वी दिन लोग मीठी मीठी गात, ए भाई एक दिन जहर लात, ए भाई मुझको पड़ियो बात। अम्मा बेटा वो जाट मैं इंदली लावा फटाफट, तू तो मैं पप्पा रे थोड़ी फूक भी ना दू। सोरा तू तो मारे हाथ, अरे सोरा तू आप बेटा सियार मन को तो जो दगी तो मारी इच्छा दूसरी से डबरो तो तामरो भी है थोड़ा बेटा नाक मुंह फट फट मत कर जे कुल कुल बैठ जे। हां लेनो, हां हां तो लेनो ये बहु के बेटा बोलो बोलो बैठ जे। हां नी मो घर जा रे अरे कूटे चल मन चित रे आ रे। हां जय माता जी री, जय माता जी री सा, राम राम सा, राम राम विराज सा बैठो ना। ए सोरा त्रिपुरा में रोटी खावे लेना मेरी से आया है। ना ना मैं तो घरों धापे ना आया, एकदम फूल में ना आया, पेट में तो जगह ही कोनी। मारे तो खानी है के बोलो बोलो बे घर तो पूरा पार्ले जी बिस्किट खा रहा है तो ये जब मरे। हमें राम सिंह हैंग रस्मो पूरी वीरी तुझा बेटी ना धारे घर की विदा कर। हाँ सा मेलो मेलो माँ मुझे नहीं जाना इनके साथ। माँ बेटा था पापा के जो कर पर थोड़ा मोन आवरे जा भी उधर है डाले और हैंडल फटफट करे। बेटा ना भाई कोई थनी पार उतारियो कौन सी ना चोरी कौन कह रही है? अरे यार ना जाने जानो आते हाँ गैर कानूनी अपराध है, इसकी सजा तुम्हें जरूर होगी। मैंने थाने वाले को बुला लिया है, वो आते ही होंगे अब। गुड़िया ने ये तो अच्छे समय पे मुझे गुड़िया ने सारी बातें बता दी थी, वरना आप तो ये खात्मा कर ही देते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रुक जाओ, बाल विवाह करना अपराध है इसलिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। रुक नहीं हो सकता, बाल विवाह करना अपराध है इसलिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि जो मिठाई बनाने वाला मिठाई खिलाने वाला यहाँ तक कि जो देख रहे हैं सभी को जेल होगी। कालू जी सर आपको भी जेल होगी। हेलो बहुत अच्छा बोलिए जेल। माफ कर दो आज मुझे ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूं। सामानी माफ कर दो, वो पिया वाले लालच में आवे माने नहीं छोरी पढ़नावा जातो तो सा माफ कर दो। वो ये अनो लाल ला रहे ना कहनो बहन नहीं जे मन ने पढ़नावती थी मने माफ कर दो। आप बच्चे नहीं हो, आप बच्चों के बाप मां बाप हो।
इस नाटक से हमको ये सीख मिलती है कि बच्चों को बड़ाई के उम्र में हमें ना उनको शादी के बंधन में बांध देते हैं। इसलिए मैं आप सब यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बड़े भाई बहनों या गुरुजनों को मैं कहना चाहती हूँ कि अरे हमें छोटे छोटे बच्चों का बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ।